इंडिया गठबंधन से अपना दल कामेरावादी का साथ छूटने के बाद पार्टी का बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की बातें लगातार कही जा रही हैं। आपको बता दें कि साथ ही बसपा के साथ मिलकर 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की भी बातें हाल ही में लगातार की जा रही थी, लेकिन पल्लवी पटेल ने कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से एक तरह से दूरी बना ली थी। फूलपुर से पल्लवी पटेल, मिर्जापुर से कृष्णा पटेल व कौशाम्बी से पूर्व विधायक राम सजीवन के मैदान में उतरने की बातें लगातार कही जा रही थी। आपको बता दें कि अपना दल कामेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने हाल ही में 5 दिन पहले 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अपना दल कामेरावादी से एक गठबंधन हमारा नहीं है। जी हां, यही वो दिन था जिस दिन के बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि अपना दल कामेरावादी अब बहुजन समाज पार्टी के समेत अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन कर मैदान में उतर सकती है, लेकिन अब स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। अपना दल कामेरावादी की मुखिया पल्लवी पटेल इस बार लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार चुकी हैं और अब गठबंधन करना चाह रही हैं तमाम पार्टियों के साथ, जिसमें नाम सबसे पहले मायावती का कहीं ना कहीं शामिल होता है। मायावती की पार्टी का जनाधार इस बार लोकसभा चुनाव में बेहद कमजोर हो चुका है। कमजोर जनाधार के साथ मायावती उपचुनाव में उतर तो रही हैं, लेकिन 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के बाद क्या मायावती इस बार उपचुनाव में जीत दर्ज कर पाएंगी? क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन 27 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी साधना मायावती के लिए बेहद जरूरी है। इससे पहले हरियाणा में भी मायावती गठबंधन कर चुकी हैं अभय सिंह चौटाला के साथ, लेकिन अब मायावती की राह मुश्किल है और इस मुश्किल राह को आसान करने के लिए पल्लवी पटेल लगातार अपना रास्ता बनाती जा रही हैं। पल्लवी पटेल की नाराजगी साफ तौर पर आपको बता दें अखिलेश यादव से है। अखिलेश यादव ने जब साफ तौर पर मना कर दिया था कि अपना दल कामेरावादी से हमारा कोई गठबंधन नहीं है, इसके बाद ही दोनों पार्टियों में दूरी बननी शुरू हो गई थी, सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि अपना दल कामेरावादी बसपा समेत अन्य छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकती है, मैदान में उतर सकती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में मायावती ऐलान कर चुकी थी कि किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, जो कहीं ना कहीं बड़ी हार की वजह मायावती के लिए भी बना और अब पल्लवी पटेल उसका फायदा उठाना चाहती हैं या फायदा उठाने की राह ढूंढ रही हैं।